एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने अपने शोरूम के लिए काफी सारी कार्स खरीदी थी। लगभग मैंने अपना जो आधा पैसा था भाई वो अपने कार्स को खरीदने में लगा दिया था। और अभी भी अपने पास वैसे पैसे पड़े हैं, 25,58,436 डॉलर अभी भी पड़े हैं, लेकिन मैंने काफी सारा पैसा लगा रखा है। और जितनी भी कार्स हमने खरीदी है ना वो सारी सुपर कार्स है। एक का भी प्राइस भाई 50,000 डॉलर से कम नहीं है। सारी कार्स 50,000 डॉलर से महंगी है। अपने पास लैम्बोर्गिनी है, पोर्श है, ऑडी है, और भी अपने पास ला फरारी है, और भी काफ़ी सारी महंगी महंगी कार्स पड़ी है अपने पास में। तो आज हम उन सभी कार्स को बेचने वाले हैं। और आज का अपना जो चैलेंज रहने वाला है, देखो अभी हमने लगभग मुझे अपनी कार्स को बेच के ना लगभग मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे, मेरे पास लगभग ना 20 मिलियन डॉलर्स जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मेरे पास आराम से हो जाएंगे, यानी कि 2 करोड़ डॉलर अपने पास हो जाएंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आज हम ना 50 मिलियन डॉलर्स का चैलेंज रखने वाले हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा और इसके लिए हमें काफ़ी सारी कार्स को खरीद के उसको मॉडिफाई करके बेचना होगा। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम तो जाएगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। और उससे अपना एक फ़ायदा और होगा कि हमें काफ़ी सारे जो स्किल्स पॉइंट्स हैं ना वो मिल जाएंगे। जैसे कि अपने पास अभी देखो एक स्किल पॉइंट तो मेरे पास पहले से पड़ा है, लेकिन मुझे अभी चाहिए 8। ठीक है, मुझे 8 चाहिए, नहीं सॉरी 7 चाहिए, 8 तो टोटल चाहिए ना, एक अपने पास पड़ा है तो मुझे 7 चाहिए, ताकि जितने भी अपने पास से स्किल्स बचे कुछ है ना इन सबको हम अनलॉक कर लें। तो इसको अभी मैं बैक करता हूँ। और अभी एक काम करते हैं, एक मिनट, ये कौन सी गड्डी है भाई? ओहो टायर, भाई टायर इतने बड़े लगा रखे इस गड्डी में। एक मिनट रुकना, ये गड्डी है कौन सी है? राडा राज, क्या नाम है, राडा राज स्टेशन वैगन। कितने की है? 12,000 डॉलर की है। देखने में लग रही थी भाई थोड़ी सी महंगी सी है, टायर इसके थोड़े अजीब से लग रहे हैं। बाकी एक सेम टू सेम गड्डी वहाँ पे भी खट रखी है, वो देखो नेबरहुड में तो भाई अब नकली हो गया। नेबरहुड कुछ मिलता नहीं है, यहाँ पे आने का फ़ायदा नहीं है, वो तो अपना घर है इसलिए मुझे आना पड़ता है। एक काम करता हूँ, मैं अभी कार मार्केट ओपन है ना, तो सबसे पहले मैं कार मार्केट ही चलते हैं, अपना ऑफिस क्लोज है। चलो कोई बात नहीं, पहले कार मार्केट जाके देख लेते हैं, क्या पता हमें कोई महंगी कार मिल जाए तो हम उसको लेके सीधा अपने शोरूम चल लेंगे। और सामने मुझे एक पोर्श तो मुझे नज़र आ चुकी है, ये नैनो नहीं खरीदनी। और बाकी एक मुझे ये भी नज़र आ चुकी है, कौन सी थी ये, गड्डी का नाम ही भूल गया, एक मिनट रुको मैं देखूँगा, मैंने इसका नाम मुझे याद करने दो। ये थी कौन सी थी भाई, चेवरलेट थी शायद से, हाँ यही है भाई, यही है, याद आ गया मुझे। देखो ये भी काफ़ी महंगी है, 81,000 की यार। मेरे पास ये भी ना कम से कम 3-4 मेरे पास पड़ी है ये, तो मैं इसको भी अभी ख़रीदने वाला हूँ। एक्सपर्टीज अभी करते हैं हम, क्योंकि हमें 50 मिलियन डॉलर चाहिए तो हमें काफ़ी सारी कार खरीदनी पड़ेगी। तो इसका है VIP नंबर क्या है इसका, सॉरी स्पेशल ID 6VP। ठीक है चेक मारते हैं, बस रिपोर्ट गलत निकले मज़ा आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हमें काफ़ी सस्ती में मिल जाएगी। इसको बैक करते हैं, हाँ ठीक है, गलत बताया इसने, गलत बताया, प्राइस ज़्यादा इसने कम तो नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, हम बार्गेन करके ना 72 बोल रही है ना, तो 50 तक मैं बोलता हूँ पहले स्टार्टिंग प्राइस। 50 मुझे लग नहीं रहा कि देगी ये, हाँ लग ही नहीं रहा था मुझे, चल 55 कर देते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं लेंगे हम। ठीक है 60 से नीचे नीचे खरीदेंगे, नॉनसेंस 58 तो ले लें, बस ये बार्गेनिंग करने बंद ना कर दे यार, दे 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 दे, अबे यार बार्गेनिंग बंद कर दे इसने, अब खरीदना तो है या कोई चक्कर नहीं, खरीद लेते हैं हम, बाय कर लेते हैं कोई बात नहीं। और ये डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा है, साइड से दिख रहा है, बाकी गड्डी बहुत ज़्यादा मस्त है ये। तो अभी ना मैं इसको भेज देता हूँ सीधा, ये दोनों तो अभी बिजी हैं यार, टो ट्रक करवा देते हैं। और उसके बाद और कोई सुपर कार है यहाँ पे क्या? नहीं है, वैसे एक पोर्श ही है ये, मैं ख़रीद लेता हूँ अभी। लेकिन और मर्सिडीज़ वगैरह, एक मिनट ये कौन सी, BMW है क्या? हाँ ये वही है, BMW है अपनी। लेकिन यार ये BMW ना 1,16,000 की मिल रही है भाई, इतनी महंगी BMW तो मैंने कभी देखी नहीं इस कार मार्केट में भाई, 1,16,015 डॉलर। रुको एक्सपर्टीज़ करवाना पड़ेगा, अब मेरे हिसाब से मैंने एक भी BMW खरीदी नहीं है भाई, एक भी नहीं खरीदी भाई, ये तो ख़रीदनी पड़ेगी। फिर चेक मारते हैं, इसकी रिपोर्ट देखते हैं, प्राइस वगैरह कम हो, 1,07,000, क्या ज़्यादा कम भी नहीं करा इसने, 9,000 कम करा, चलो कोई बात नहीं। इससे थोड़ा सा ना पहले मैं इसको बोलता हूँ 70, ठीक है पहला प्राइस 70 बोलते हैं, क्या पता 70 में दे दे, नहीं यार चलो 70 से मैं सीधा 80 कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा नेगोशिएट करेंगे ना तो भाई ये फिर नेगोशिएट करना ही बंद कर देगा। अरे क्या सीधा 10,000 डॉलर बढ़ा दिया मैंने यार, 90 में तो दे दे भाई, ये नहीं कि इसको भी मुझे उतने प्राइस में ख़रीदना पड़े, शुक्र है शुक्र है, 90,000 डॉलर में इसने हमें दे दिया BMW। भाई BMW मैंने चलाया नहीं है तो मैं अभी यही चलाऊंगा, मैं पोर्श खरीद लेता हूँ, इसको हम टो ट्रक करवा देंगे, बाकी हम BMW में चलेंगे अभी। इसका प्राइस देखते हैं कितना बोलते हैं, 1,50,000, रिपोर्ट थोड़ी सी मुझे गलत लग रही है, एक्सपर्टीज़ करवाते हैं। और उसके बाद क्या है ये, SRE नहीं V है, चलो भाई फटाफट से चेक मारो,
देखते हैं कि इसका प्राइस कितना कम करता है ये। यार बिल्कुल सही थी इसकी रिपोर्ट, 1 लाख बोल रहा है ना ये, 1,50,000 बोल रही है, मैं 1 लाख बोलता हूँ इसको। ये क्या पता 1 लाख में, नहीं यार 1 लाख नहीं, 1,20,000 बिल्कुल भाई बिल्कुल सही प्राइस है, इतने में तो दे देने चाहिए, ये तो ठीक है। और 1,30,000 बहुत बढ़िया, 1,30,000 में हमने पोर्श खरीद लिया। डैमेज तो है नहीं, तो मुझे काम करना पड़ेगा। नहीं डैमेज, हाँ डैमेज बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी इसमें फ्यूल कम है, तो फ्यूल तो मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, ठीक है। अब फ्यूल पूरा भर चुका है, और इसको मैं रिपेयरिंग के लिए नहीं, इसको हम भेजेंगे टो ट्रक 3 पे, ठीक है। और अब एक काम करते हैं, अपनी BMW डैमेज है क्या? नहीं ये भी बिल्कुल डैमेज नहीं है, इसमें भी फ्यूल कम है, तो फ्यूल मुझे डालना है, ठीक है। अब जो फ्यूल है वो पूरा 100% हो चुका है, बस इसको थोड़ी सी साफ़ सफाई की ज़रूरत है, तो साफ़ सफाई करेंगे। बाकी भाई गड्डी मस्त बना रखे, देखो भाई इसके व्हील्स भी काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, ठीक है। वो आगे पीछे से दोनों साइड से मस्त है भाई, बढ़िया गड्डी है। लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हम ऑन करवाएंगे, क्योंकि अभी इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवाने की ज़रूरत है। ले चलते हैं, ऐसे हट जाओ भाई, ठोक दूंगा सबको मैं, कोई नहीं हटेगा। एक काम करते हैं, ये बेचारे बैगर को हमने काफ़ी टाइम से पैसे नहीं दिए, ये ले भाई तो खुश हो जाए यार, ये ले रख ले, चलो। और हम और भी दे सकते हैं इसको, अबे जितना चाहे उतना दे सकते हैं, ये रुकेगा नहीं भाई, ये नहीं रुकने वाला, ये रुकेगा नहीं भाई, और ये पैसा हमारा सारे ख़त्म कर देगा ये। चलो ये फटाफट से इसको लेके चलते हैं, और अभी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैं करवाता हूँ, और जो कार्स हमने खरीदी है ना, मतलब जो पहले खरीदी थी, उन सबको अभी मुझे भाई लगाना पड़ेगा एक एक करके भाई। वो गड्डी के ऊपर गड्डी चढ़ा दी यार, एक मिनट भाई मेरी चेवरलेट को तोड़ देगा वो, वेट वहाँ से मुझे हटानी पड़ेगी वो। सबसे पहले इसको मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसका कलर वगैरह मैं सोच रहा हूँ चेंज करवा दूँ, इसका कलर वगैरह ना मैं चेंज करवा देता हूँ। इसको हम रखेंगे लाल, नहीं यार ये कैसी रहेगी, ये मस्त लग रही है मुझे। इसको कर देते हैं पेंट ऑल कार्ड्स, उसके बाद इसको थोड़ा सा पॉलिश वगैरह, वो मस्त लग रही है ये वाली, मस्त लग रही है, थोड़ा लाइट कलर ना, ये बढ़िया लग रहा है। स्मूथनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ओहो क्या बात है भाई, ये तो काफ़ी बढ़िया लग रही है BMW। चलो ये मैंने इसको पेंट करवा दिया, बस अब इसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग वगैरह करवानी है। अभी कस्टमर आ रखा था, वो भी जा चुके, फटाफट चलते हैं, तो कोई दूसरा आ जाएगा, फिर हमें वेट करना पड़ेगा। रुको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता है, बस। अब फटाफट से इसको देखते हैं क्या क्या डलवाना है, रेसिंग की डलवा लेता हूँ मैं यार। इसकी स्पीड टेस्ट करूँगा, मैंने BMW का ना स्पीड टेस्ट करा ही नहीं, मैंने खरीदी नहीं थी, मैं स्पीड टेस्ट कहाँ से करूँगा मैं फिर, इसलिए ना अभी इसको लेके चलेंगे रेस ट्रैक पे, और वहाँ पे इसका स्पीड टेस्ट करेंगे। कैलिफोर्निया के नंबर प्लेट, उसके बाद जो व्हील्स है ना, वैसे ये भी व्हील्स बढ़िया लग रहे हैं, बट हम डलवाएंगे ये $5,000 वाले, सबसे महंगे वाले व्हील्स। लो भाई इसकी मॉडिफिकेशन भी हो चुकी है, और एक ना मैंने गड्डी देखी है पीछे खड़ी हुई, ये शायद मैंने खड़ी करके रखी है इसकी रिपेयरिंग वगैरह। हाँ ये मैंने पिछली बार पोर्श खरीदी थी, मैंने इसकी रिपेयरिंग नहीं करवाई थी। एक काम करते हैं, इसकी फटाफट से रिपेयरिंग करवाते हैं, काफ़ी खर्चा जा रहा है भाई, $820 जा रहे हैं इसमें। चलो कोई बात नहीं, तब तक वो वैन मुझे वहाँ से हटानी पड़ेगी, ये वैन मुझे यहाँ से हटा के इसको साइड करना पड़ेगा। इसको एक काम कर दूँ, पीछे लेके जाता हूँ यार, वैसे भी इसका कोई यूज़ तो है नहीं। चलो इसको लेके चलते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर खड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ साइड, बस रुक जा, यहाँ पर खड़ा कर देते हैं इसको। और उसके बाद मैं फटाफट से अपनी जो कार्स हैं उनको सेल पर लगाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अभी फटाफट से मुझे काफ़ी सारा पैसा चाहिए। देखो भाई अपने पास क्या ख़तरनाक कार से कलेक्शन हो चुकी है, वैसे मेरा सेम मन नहीं कर रहा मेरा बेचने का भाई, अगर मैं अपना शोरूम और बड़ा कर सकता ना तो मैं और कार्स लेके आता भाई, और कार्स लेके आता। ये देखो भाई कितनी सारी कार्स अपने पास इकट्ठी हो चुकी है, काफ़ी सारी, 4-5 लैम्बोर्गिनी है अपने पास, 4 ऑडी RR है, 4 अपने पास ये फियात है, 3 मर्सिडीज है, ठीक है। उसके बाद अपने पास 4 लाफरारी, 4 पोर्श है भाई, कार भाई से मैं बहुत ज़्यादा अपने पास हो रखी है यार। साफ़ सफाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चल जाएगा। मैं काम करता हूँ, पहले इनको ना मैं सेल पर लगा देता हूँ, क्योंकि फिर मैं ये खड़ी नहीं कर पाऊँगा ना अपनी बाकी की कार्स, स्पेस ही नहीं है भाई, स्पेस ही नहीं है अपने शोरूम में, बताओ इतनी सारी कार्स हो चुकी है अपने पास। तो अब ये काम करते हैं, हम चलते हैं वेब पेज पे, ठीक है, और फटाफट से सबको ना सेल पर लगाना स्टार्ट करते हैं। निशान, अबे ये निशान नहीं बेचनी यार, एक मिनट इसको यहाँ से हटाओ भाई, मैंने ये इसको गलती से खड़ा कर दिया यहाँ पर, निशान थोड़ी बेचेंगे हम इसको, यहाँ पे साइड हटाएंगे। अपनी पर्सनल गड्डी है भाई, सबसे महंगी, बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, हमें एक ही बार मिली, उसके बाद एक बार भी हमें मिली नहीं है। देखो इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर देते हैं, निशान पर ना काफ़ी जल्दी निशान पड़ जाते हैं, इसलिए इसको साफ़ करना जल्दी बार बार पड़ता है। चलो ये तो हो चुकी है साफ़, ऊपर से थोड़ी रहेगी, ये होगी, बैक से कर देते हैं इसको, होगी क्या, मुझे 4 XP तो मिला नहीं टोटल, होगी क्या पूरी साफ़ यार। एक मिनट, ये अंधेरा हो गया यार, रात हो चुकी है, मुझे जाना पड़ेगा। वेट, एक काम करते हैं,
सबसे पहले यहाँ से निकलता हूँ कल सुबह आके ना, ठीक है। कल सुबह आके मैं अपनी जो कार्स हैं उनको फटाफट से सेल पर लगा के, ठीक है, बस फिर उनको मैं भेज दूँगा, सारी कार्स को मैं भेज दूँगा। और फिर उसके बाद देखते हैं कि उन सबको बेचने से ना कितना पैसा अपने पास इकट्ठा होता है। आज हमने कल भाई खाली कार्स को खरीदने पैसे लगाए, एक भी कार हमने बेची नहीं है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। आज हम काफ़ी सारी कार्स बेचेंगे, थोड़े बिल वगैरह आ चुके हैं तो पहले बिल क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि कितना बिल आया है हमारे, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, चलते हैं बिल्स पे, कितना बिल आया, ज़्यादा नहीं है, 26,714 ये लो भाई, पे कर दो। चलो आप फटाफट से चलते हैं यहाँ से सीधा अपने ऑफिस में, और जितनी भी हमारी कार्स हैं, ठीक है, मैं यहीं से सेल पे लगा देते हैं, यहीं से चलते हैं वेब पेज, ठीक है। यहाँ से सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, लैम्बोर्गिनी अपनी 408,000 की है ना, तो देखो 408,000 तो उसका बाय प्राइस है, उसके बाद हमने इस पर एक्सपेंस भी खर्च करा है ना, तो 8,513 413,000 हो गए, ये 13 क्या 14 हो गए भाई। मैं देखो यहाँ इसका ना ये भी आता है कार सेल प्राइस फाइंडर, मैं ये देखता ही नहीं था, तो मैं इस इतना भी सेल पे लगा सकता हूँ इसको अगर चाहूँ, हाई प्राइस, लो ये रहा बिलो है, फिर ये एवरेज है, अबव एवरेज है, हाई प्राइस है, तो मैं अभी ना इनको हाई प्राइस पे लगाने वाला हूँ। $825,810 में मैं इसको बेच सकता हूँ, 825,810 था ना, 810, एक मिनट, 825,810, लो भाई 825,810 इसको पुट इट ऑन सेल करते हैं। बाकी ऐसे कर करके ना मैं सबका प्राइस पहले यहाँ से चेक करूँगा, उसके बाद मैं सेल पे लगाऊँगा, क्योंकि यहाँ से फिर भाई हमें पता लग जाएगा ना कि हम कितना प्राइस इसका ऊपर तक ले जा सकते हैं, कितने बंदा खरीद सकता है इसका। देखो 916,825, 916,825 ये हो गया। उसके बाद ऐसे कर करके ना मुझे अभी सारी गड्डी सेल पर लगाने पड़ेगी, पहले थोड़ी सी लगाता हूँ क्योंकि फिर ना कस्टमर ज़्यादा ही हो जाएंगे ना, फिर उनको हम वो नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं करवाएंगे। 827,190, 827,190, ठीक है, ये होगी, कितनी होगी, 1, 2, 3 लगाई ना, मैं पहले 5 लगाता हूँ क्योंकि इतनी स्पेस है नहीं यार, फिर इतने कस्टमर्स आ नहीं पाएंगे। 364,341, लो ये हो गया। उसके बाद ये वाली देखते हैं इसका प्राइस कितना है, 318,000, 318,000, लो अभी मैं 5 कार सेल पर लगाने वाला हूँ, और अभी फटाफट से जाके जो अपना ऑफिस है ना उसको ओपन करते हैं। एक बड़े कचरा भी आ चुका है, इसको भी लेके चलते हैं और फटाफट से इसको फेंकते हैं इसके अंदर। लो भाई अपना ऑफिस हो चुका है ओपन, और तब तक मैं थोड़ी बहुत कार साफ़ ही कर देता हूँ जब तक कोई कस्टमर आता नहीं, ताकि मुझे ना इससे काफ़ी सारा जो एक्सपी है वो मिल जाए। अब जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे हम काफ़ी सारी कार्स खरीदते जा रहे हैं भाई, वैसे वैसे ना एक्सपी के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा स्किल्स पॉइंट्स हम इकट्ठे करने ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जा रहे हैं, उसके लिए मुझे कार्स खरीदनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ इस बार ना ऑक्शन में मैं सारी कार्स बाय कर लूँ, कार मार्केट की भी सारी कार मैं बाय कर लूँ, ताकि मुझे काफ़ी सारा वो मिल जाए एक्सपी। एक कार को हम बाय करते ना तो हमें 10 स्किल पॉइंट मिलते हैं, तो ऐसे करके ना मुझे 40 तो मुझे ऑक्शन से मिल जाएंगे, बाकी कार मार्केट में भी 10-12 कार आती है, वहाँ से भी अपने को काफ़ी सारा मिल जाएगा। लो मैंने ये वाली कार तो साफ़ कर दी है, 4 एक्सपी टोटल मिल चुके हैं, 2 कस्टमर भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ये अपनी लैम्बो खरीदने आएंगे सर, हाँ ठीक है, एक तो ये अपनी लैम्बो खरीदने के लिए, इसे टॉक करते हैं और देखते हैं कि कितना प्राइस ये बोलती है, 777,000, ठीक है, ज़्यादा माड़ा प्राइस नहीं है, इससे बार्गेन करके ना इसको मैं 7.5 लाख बोल दूँ, या 7.5 लाख नहीं, थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, 7,80,000, 7,80,000, बहुत बढ़िया यार, 7,80,000 दे दिए, ठीक है, पहली बोली अपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हुई है। एक कस्टमर और आ चुका है, ठीक है, अपनी ये फियात खरीदने आई है, 364,341, 282,000, ठीक है भाई, नॉट बैड, बहुत बढ़िया, 280,000, नहीं नहीं एक मिनट, कितना प्राइस बोल रहे हैं, 282 तो बोल ही रही है ये, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको हम बोलते हैं 3.5 लाख बोलता हूँ मैं, ठीक है, 3.5 लाख में क्या पता ये मुझे दे दे, नहीं थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 340,000, 340 तो ठीक है, 325 ले ले, लास्ट प्राइस है, देना है देना तो रहने दे भाई, मतलब खरीदने खरीदने तो रहने दे, 325 है लास्ट प्राइस, खरीद ली भाई लास्ट प्राइस में इसने। चलो एक गड्डी अपनी और बिक चुकी है, बाकी एक कस्टमर ये रहा, 2 गड्डी बिक चुकी है ना, अभी 3 रहती है, तो अपनी ऑडी RR, एक मिनट में इससे टॉक नहीं, अरे यार इधर जाना पड़ेगा मुझे, नहीं बात करनी है मुझे इससे, हाँ ठीक है, ऑप्शन आ तो रहा था अभी, अरे काफ़ी सारी कार्स होगी ना इसलिए दिक्कत हो रही है यार, अभी आया तो था ऑप्शन, ये रहा ठीक है, 916,825, कितना बोलती है ये, 727,000, 8 लाख मुझे लग रहा है दे देगी, 8,50 तो ज़्यादा हो जाएगा,
चलो बोल के देखते हैं एक बार, क्या पता 850 में ये दे दे। नहीं तो 8,20,000 रुपये ये लास्ट प्राइस है, इससे कम नहीं करूँगा मैं। अभी ख़रीद लिया इसने, जब भी मैं बोल रहा हूँ इससे कम नहीं करूँगा तब भी कोई ना कोई ख़रीद ही ले रहा है। चलो ये दो बहनें आ चुकी हैं, इनसे बात करते हैं। 8,27,000 6,00,000 तक दे रही है। एक मिनट रुक जा, अभी इससे पूछते हैं, तेरी बहन से पूछते हैं कितना प्राइस देगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे हम, हमें बेचना किस बहन को है। ये 5,36,000, तू जा घर, तेरे बस का नहीं है। एक और आ चुकी है, इससे देखते हैं कितना प्राइस बोलती है। 5,83,000 इसने कितना बोला था, इसने भी इतना ही बोला था ना, 5,00,000। नहीं नहीं ये तो भाई ये सही बोल रही थी, ये तो 6,00,000 से ऊपर चली गई थी शायद। नहीं उतना ही है, सेम प्राइस ही है। 7,00,000 बोलूँ मैं, 7,50,000 बोल के देखते हैं। 7,50,000 वैसे ज़्यादा हो गया, बट 7,20,000 लास्ट है यार, इससे कम नहीं करूँगा मैं। प्लीज़ इतना सस्ते में नहीं बेचने वाला, नहीं भाई ये नहीं ख़रीदने वाली, इसको रहने देते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ही सस्ते में ख़रीद रहा है, इसको भी मैं भेज ही देता हूँ घर पे। ठीक है कोई दूसरा कस्टमर आएगा उसको हम भेज देंगे। इसको मैं अब ये करने वाला डोंट सेल, ये कचरा उठा के ना सबसे पहले मैं जाके फेंकता हूँ उसके अंदर। भाई ये कस्टमर वहाँ पे खट रखा है, रुको जाने का रास्ता नहीं भाई, इतनी सारी कार्स इकट्ठी हो चुकी है, इसको पहले मैं फेंकता हूँ कचरे के डब्बे में। ठीक है नहीं रुक जा मैं आ गया, रुक जा अरे आ गया मैं, चल वापस चल। ये नहीं खरीदेगी अब, चलो कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ बाकी जो अपनी थोड़ी बहुत और कार्स हैं ना फटाफट से उनको सेल पे लगाता हूँ, और अपनी वो वाली कार्स भी रिपेयर हो चुकी है ना वो मुझे लेके आनी पड़ेगी। सिर्फ दो कार बची है ना, अभी तीन बेच दी हमने, तो इनको भी फटाफट से लगाते हैं सेल पे। यहाँ से प्राइस देख के 1,53,790। ओके जैसे मैंने अभी अपनी 10-15 कार्स को सेल पे लगाया ना भाई, कस्टमर की देखो बारिश हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर आ चुके हैं, 2-3 वहाँ पे हैं, बाकी 6-7 यहाँ पे आ चुके हैं, आगे भी आ चुके हैं काफ़ी सारे। अरे फटाफट से ना मुझे इनको जो कार्स है ना उनको बेचना पड़ेगा। ये कितना बोलते हैं, 3,72 हमने बोला है भाई, सही है इसका, 2,91 तो दे रहा है, 3,50 में ले जा भाई तू, चल 52 में दे देते हैं तेरे को, 3,52,000। नहीं तो 3,40,000, ये तो ठीक है, 3,40 तो ठीक है भाई, इससे कम नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, चलो इसने एक कार खरीद ली है, थोड़ा सा एरिया क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे दो बंदे आ चुके हैं और अपने जो मर्सिडीज़ है ना ये ख़रीदने आए हैं। 1,44,000 इसका प्राइस है, 1,11,000 बोल रहा है ये, इसका मतलब 1,40,000 तो ये दे ही देगा। दे दे भाई कोई चक्कर नहीं, बहुत सस्ती कार मिल रही तेरे को। नहीं 1,30,000, 10,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं तेरे को, $10,000 का, अब तो खरीद ले। बहुत बढ़िया, अपनी ये कार भी बिक चुकी है। ठीक है यहाँ पे एक मिनट, अपनी चेवरलेट खरीदने आया ना एक, अरे यार इनके लिए मुझे आगे जाना पड़ेगा, यहाँ से चढ़ गया ना, एक सेकंड अभी चढ़ जा भैया, ऐसे फिर मैं उनसे टॉक ही नहीं कर पाऊँगा। एक मिनट यार मुझे ना यहाँ से, हाँ ठीक है मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ, अब इनसे बात करने का ऑप्शन तो आ नहीं रहा अभी भी। मुझे लग रहा है कि अपनी ये वाली जो कार है मुझे थोड़ी आगे पीछे करनी पड़ेगी। एक मिनट रुको, इसको एक काम करता हूँ मैं, पहले यहाँ से एंटर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा इसमें, अभी यार उधर से आना था ना भाई, एंटर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसमें, ऑप्शन ही नहीं आ रहा एंटर करने का, इसमें तो आ जा रहा है। चलो इनको बाद में देखते हैं, सबसे पहले अपनी पोर्श पे काफ़ी सारे बंदे आ चुके हैं भाई, पोर्श अपनी बिकनी चाहिए, सारी की सारी बिक जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। 2,01,000 ऐसे प्रॉफिट तो हो रहा है अपना, मैं इसको कितना बोलूं, 2,70,000 बोलता हूँ, 70 में नहीं देगी मुझे लग रहा है, मतलब लेगी नहीं, नहीं यार 2,50,000 में तो ले लेनी चाहिए। ठीक है सीधा मैं इसको $20,000 का प्रॉफिट दे रहा हूँ, प्रॉफिट क्या है इसका, हम बार्गेन कर दे रहे हैं, 2,50,000 तो ठीक है, नहीं यार 2,50,000, 2,40,000 लास्ट प्राइस है, इससे कम तो तू घर जाएगी सीधा। अभी मैंने काफ़ी सारी कार्स अपनी भेज दी है, देखो भाई अब थोड़ा सा जो अपना शोरूम है थोड़ा सा खाली लग रहा है, बस यहाँ पे बची है 3, 3, 6, 7, 8, 8, 3, 11 और 12, 13, 14, एक पीछे भी है, 14 कार्स बची है अपने शोरूम में, तो इनको भी हमें फटाफट से बेचना पड़ेगा। कुछ कुछ तो मैंने सेल पे लगा रखी है, कुछ कुछ को भी सेल पे लगाना बाकी है, अपनी लाफरारी तीनों मुझे अभी सेल पे लगानी है। तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले ये थोड़ी बहुत जो अभी पड़ी है ना वो खाली करता हूँ, अभी रात होने वाली है तो मुझे फटाफट से कार मार्केट जाना पड़ेगा। 1,20,000 में इसको बोलता हूँ, ठीक है अबे रुक जा खरीद ले, जाना नहीं है, 1,20,000 में खरीद ले, 1,19,000 नहीं बढ़ा रहा है, 1,15,000 ठीक है भाई, तो ये जाना जाने तो रहने दे, 1,15,000 तो ठीक है खरीद ले भाई, 1,15,000 में। अब मैं काम करता हूँ, अभी 5 बज चुके हैं ना यार, मुझे जाना पड़ेगा फटाफट से, क्योंकि भाई 8 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, ठीक है, और फिर मुझे कार्स मिलेंगी नहीं,
इसलिए फटाफट जाके ना अभी सारी कार्स में बाय करने वाला हूँ भाई। ऑडी आरआर मुझे नज़र आ चुकी है, ये काफ़ी ज़्यादा ठीक है। मुझे एक और ऑडी आरआर, एक लैम्बोर्गिनी भी है, जल्दी खरीदो ना। फिर मैं बात क्या कर रहा हूँ इतनी भाई, दो लैम्बोर्गिनी। अबे यार जल्दी मुझे ख़रीदना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये भी मार्केट बंद होगी ना फिर दिक्कत हो सकती है। एक्सपर्टीज़ करवाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे प्राइस इसका ठीक लग रहा है। कितना 452 तो ठीक प्राइस है इसका, तो इसको हम बोलते हैं 350 में दे दे। 350 नहीं, 350 नहीं, 370, सीधा $20,000 बढ़ा दिया हमने। लो भाई 370, चलो 370 में हमने ये खरीद लिया। फटाफट से इनको मैं भेजता हूँ, ये तो डैमेज काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे पहले इसको रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ की अपनी एक और ऑडी आरआर। देखो पिछली बार मैं ऑडी आरआर ढूंढ रहा था, नहीं मिली, लास्ट में जाके मुझे दो ऑडी आरआर इकट्ठे मिली थी। ये तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस लग रहा है, एक्सपर्टीज करवाना पड़ेगा इसको। क्यों क्यों जी भाई, इसका प्राइस मुझे ज़्यादा लग रहा है ऑडी आरआर का, मुझे लग रहा है ये चीटिंग कर रहा है भाई, ये गलत बता रहा रिपोर्ट। अब ठीक है रिपोर्ट, इतनी महंगी कार कैसे बताओ, मैंने 40-50 ऐसे लगा दिए। देखो यार थोड़ा सा प्राइस और कम करवाना पड़ेगा फिर मुझे इससे, 450 नहीं 470, इसको भी सीधा 20,000 बढ़ा के बोलते हैं। ठीक है बहुत बढ़िया, इसने भी कार हमें दे दी है, बट एक्सपर्टीज के पैसे अपने चले गए, कोई बात नहीं। ये डैमेज है कि ये भी डैमेज है, 4% डैमेज है, तो इसको मैं काम को तो टो ट्रक करवाता हूँ। यार काफ़ी सारी कार्स अपने उधर इकट्ठी हो चुकी है ना, मुझे अभी हटानी पड़ेगी वो सारी कार्स। इसकी भी रिपोर्ट मुझे ठीक लग रही है यार, रिपोर्ट ठीक है इसकी भी, इसको हम बोलते हैं ना 3 लाख। 3 लाख तो ज़्यादा ही कम हो गया, नहीं नहीं थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा मुझे, इसको बोलना पड़ेगा 350। 3,50,000 तो ठीक है, इतने में तो दे देनी चाहिए। नहीं इसको भी सीधा 20,000 बढ़ाएगा, 370 इसको भी बोलूँ मैं, 370,000। यार थोड़ा प्राइस और बढ़ाना पड़ेगा, 4 लाख ले ले तू बस, इससे ज़्यादा नहीं देने वाला मैं तेरे को, 4 लाख ठीक है इससे ज़्यादा नहीं। चलो 4 लाख में हमने ये लैम्बो ख़रीद ली है, और कोई है क्या? वो एक और BMW, एक और BMW, इसका प्राइस कितना है 84, इसको मैं बाय करूँगा, इसको भी हम बाय करेंगे। इसको मैं सीधा बार्गेनिंग करता हूँ, इसको हम 60,000 बोलते हैं, ठीक है, ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करेंगे, सीधा 60,000 में खरीद ही लेते हैं। अभी नहीं दे रहा 60,000 में, ले तू 65,000 ले ले भाई, ठीक है 65 तो ठीक है, इतना तो नेगोशिएट करना चाहिए। 70,000 चलो बहुत बढ़िया, 70,000 में इसने ख़रीद ली। और अब ये काम करता है, रुको मैंने स्पीड टेस्ट करनी थी अपनी उसकी भाई, मैंने स्पीड टेस्ट करी नहीं, इसको लेके चलते हैं अभी इस लैम्बो के, काम करता मैं यार टो तो मैं करवा ही नहीं सकता, मुझे ऐसे इनको लेके जाना पड़ेगा। यार 8 बजने वाले, मैं सारी कार्स नहीं ख़रीद पाऊँगा, नहीं यार मैं सोच रहा था सारी कार्स मैं खरीदूँ लेकिन नहीं खरीद पाएंगे हम। चलो कोई बात नहीं, अगली बार हम खरीदेंगे। देखो सारी कार्स और बंदे भी सारे गायब हो चुके हैं, अभी इसको ऐसा लेके निकलते हैं। मैं सोच रहा हूँ अभी सीधा अपने घर ही जाता हूँ यार, अब क्योंकि अभी देखो अपने पास रेसिंग ट्रैक पे जाएंगे ना तो रात में मजा नहीं आएगा गड्डी चलाने में, कल सुबह आएंगे हम, ठीक है। कल सुबह आके ना सबसे पहले मैं उस लैम्बो को रिपेयर वगैरह करवा के, उसकी मॉडिफिकेशन करवा के अपने शोरूम में रखेंगे। ओ भाई कितना डैमेज कर दिया मैंने इसको यार, कुछ ज़्यादा डैमेज हो गया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इसको थोड़ा सा रिपेयरिंग में थोड़ा सा खर्चा और जाएगा इसका। मेरा घर कहाँ पे है, एक मिनट, मैं कौन सी गली में आ गया, वो रहा, ठीक है उस वाली गली में, लास्ट वाली गली में अपना घर। फटाफट इसको लेके चलते हैं, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, इसको ये पकड़ करता हूँ, रुक जा, और ज़्यादा डैमेज नहीं करवाना मैंने, ज़्यादा पैसा लगवाना नहीं है। चलो ये फटाफट चलते हैं और जाके मैं सो जाता हूँ। ओके तो अगले दिन स्टार्ट हो चुका है और मैं अपनी BMW को लेके आ चुका हूँ अपने शोरूम में। इसको एक काम करते हैं, यहीं पर खड़ा करता है, अभी इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह करवानी बाकी है, बट अभी कस्टमर्स काफ़ी सारे आ चुके हैं, काफ़ी सारे जा भी रहे हैं, तो मुझे जल्दी से अपनी कार को बेचना पड़ेगा। और आज ऑक्शन स्टार्ट है, तो ऑक्शन में मैं चारों कार्स खरीदने वाला हूँ। 6,10,000, 6,10,000 नहीं 7.5 लाख दे यार, वैसे 6,10,000 भी भाई बेकार नहीं है, ठीक है मैं इसको बोल सकता हूँ तू 720 में दे दे, मतलब ख़रीद ले, हमें डबल प्राइस तो वैसे ही मिल जाएगा। 7 नहीं यार बस 7,05,000 भाई, इससे कम नहीं, 7,05,000 से 1 रुपये कम नहीं, दे लिया इसने। चलो ठीक है, ये कार अपनी और बिक चुकी है, बाकी और कोई आ चुके अपनी कार खरीदने, एक कस्टमर और आया। ये कहाँ जा रहा है, पीछे तो कोई कार है ही नहीं भाई साहब, यहाँ से आया ये, यहाँ से घूम के, और नहीं मैं ही नहीं जा पा रहा वहाँ से, हाँ और यहाँ पे आ गए, नॉन सेंस, यहाँ से नहीं आ सकता था, यहाँ से आके सीधा खड़ा हो जाता, क्या बात है भाई। बंदा पूरी कार की जानकारी ले रहा था, आगे पीछे से दोनों से देख रहा था। 9,10,000 इसका बोला मैंने, 661, ये अच्छा खासा पैसा दे देगा हमें, ये अच्छा खासा पैसा दे देगा।
7,80,000 बोलता हूँ मैं, ठीक है पहले 7,80,000 बोलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मैं और सोच रहा हूँ कम करना पड़ेगा। 7,50,000, 7,50,000 में तो मुझे लग रहा है खरीद लेगा ये भाई, बहुत बड़ी 7,50,000 में बिक गई यार, काफ़ी प्रॉफिट हुआ अपना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ उस ऑडी आर आर से। यहाँ पे दो बंदे आ चुके हैं यार, मुझे एक कार बेचनी पड़ेगी तभी जाके मैं उसको हैंडल कर पाऊँगा। $8,27,000 हमने इसका बोला है, और नहीं यार बहुत कम प्राइस बोल रहा भाई, बहुत ही कम, वो तो आधा ही बोल रहा था भाई, उतने में थोड़ी बचेंगे हम। 6,20,000 इसका प्राइस, ठीक है ये 7,50,000 पहले थोड़ा सा ज़्यादा बोलता हूँ मैं, ठीक है बिल्कुल कम कर दो ना, तो भाई कस्टमर और कम करवाते रहते हैं। 7,80,000 बोलता हूँ मैं, अगर ये कम नहीं कर रही है तो इसके बाद हम 7,50,000 बोलेंगे, अगर इतना भी कम नहीं करना तो 7,10,000 नहीं 7,10,000, हाँ 7,10,000 ठीक है, 7,10,000 ठीक है बिल्कुल ठीक है, खरीद ले चलो बहुत बढ़िया। 7,10,000 में ये बिक गई, ये कूड़ा पहले उठा के मैं फटाफट से जाके फेंक के आता हूँ। और टाइम कितना हो गया भाई, 10 बज के जाना पड़ेगा मुझे ऑक्शन में, रुको एक कार एक काम करते हैं अपनी जो ये चेवरलेट है ना इसको बेच के, ठीक है उसके बाद फटाफट चलते हैं ऑक्शन में, कितना प्राइस बोलेगी, ढंग का प्राइस बोलिए बस, 122 बहुत बहुत बढ़िया प्राइस, 150 नहीं 140, 140 तो ठीक है सीधा $10,000 कम कर दिया मैंने, बहुत बढ़िया 140,000 में अपनी ये कार बिक चुकी है। यहाँ पे एक और कचरा है, इसको भी काम करते हैं फटाफट जाके फेंकते हैं कचरे के डब्बे में, और अभी अभी सारी कार मुझे सेल पे लगानी पड़ेगी, बस ये वाली सेल पे लग रखी है, बाकी सबको मुझे सेल पे लगाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे 3-3 कार खड़ी है, वहाँ पे 2 कार खड़ी है, एक कार यहाँ पे खड़ी है, अभी सबको मुझे सेल पे लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं अपनी निशान को लेके निकलते हैं, ठीक है निशान को चलाते हैं, और मुझे ना एक बंदे ने ग्लिच बताया था कि मैं अगर ऑक्शन के पीछे जाता हूँ ना तो वहाँ से मैं देख सकता हूँ भाई कौन सी कार ऑक्शन में आ रखी है, ऐसा होता है क्या सही में? आ गया मैं, यहाँ पे आना है हमें, और हमें अपना कैमरा घुमाना है, एक सेकंड मुझे पहले उतरना पड़ेगा, कैमरा मुझे अपना घुमाना है क्या कुछ तो भाई, वो नज़र आ रही है भाई 4 नंबर पे, इतनी नकली कार कैसे कोई देख सकता कोई, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे अपनी फियात है, ठीक है तो मैं ख़रीद लूँगा, 2 नंबर पे ये भी यार वही भाई बेकार सी कार है, 1 नंबर पे ये कौन सी थी, 1 मिनट भाई यार बस फियात है यार, फियात मैं ख़रीदनी तो है, वैसे मुझे सारी कार्स ख़रीदनी है बट मैं सोच रहा था कि 2 मुझे सुपर कार्स मिल जाती ना तो उनसे अपना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, बट चलो कोई बात नहीं मैं यहाँ से टिकट ख़रीदता हूँ। वैसे चारों कार मैं ख़रीदूँ भाई, लेकिन बस ज़्यादा सुपर कार्स जितनी ज़्यादा मिलती रहेगी ना फटाफट तो हम उतना ज़्यादा पैसा जल्दी ऑन कर पाएंगे। तो पहले नंबर पर तो भाई बहुत नकली कार आएगी, देखो ये तो नैनो हकी, कितना इसका प्राइस है, तो कितना कम प्राइस है इसका, खरीदने का वैसे मन नहीं कर रहा लेकिन कोई बात नहीं, एक्सपी के लिए मुझे ख़रीदना पड़ेगा सीधा, 387 लगाते हैं इन पे बिड भी काफ़ी कम लगती है, तो मैं भाई जितनी हाईएस्ट बिड है ना उस बिक गई कार, एक बिड लगाते बिक गई। ये कार आ चुकी है, कौन सी है, Hyundai Sentra, पता नहीं कौन सी गड्डी है भाई ये, चलो इसकी स्टार्टिंग बिड तो थोड़ी ठीक है 23,000 की है, सीधा भाई सीधा मैं हाईएस्ट बिड लगाने वाला हूँ, जब तक खरीद नहीं था पता ना मैं इसको, मैं बिड लगाता रहूँगा भाई, एक और बार लगा दूँ 29,810, एक बार और भाई बंदे तो लगाए जा रहे हैं बिड, 50,000 भी इसका प्राइस चल जाना फिर भी ठीक है, फिर भी मैं $1,00,000 तक की बेच देंगे, गया ही नहीं 34,000 पर रुक गया। चलो भाई अपनी फियात आ चुकी है तो फटाफट से इसका प्राइस कितना है 144, तो इस पर बंदों को बिड लगाने दो, ठीक है पहले बंदों को लगाता मैं, 1 लगा देता हूँ 11,000 भाई, इसका प्राइस 2,00,000 से ऊपर चल गया, अभी तक बंदे बिड लगाए जा रहे हैं, ये देखो फिर से, अब ऐसी 11,000 लगाओ और ख़रीदो भाई इसको, भाई बंदों को पता नहीं कितना इंटरेस्ट आएगा इसमें, 2,20,000 चल गई भाई, 2,23,000, 1 मिनट इस कार में इतना क्या खास है भाई, जो बंदे खरीदी जा रहे हैं 2,29,000, 2,32,000, मुझे लग रहा है कि इसका डबल प्राइस जाने वाला है, हम ही कर देंगे इसको डबल, नहीं डबल तो नहीं हुआ, $10,000 की कमी पड़ेगी बट चलो कोई बात नहीं भाई, काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में मिल गई 2,34,000 में, और एक ये वापस आ चुकी है वही वाली Hyundai, तो इसको भी मैं ख़रीदने वाला हूँ, ठीक है हमें यहाँ से 40 XP मिल जाएगा 1837, वो वाली कितने में मिली थी हमें 34,445 में, ये देखते हैं कि कितने की हमें मिलती है, 27,704, ये हो गया 30,000, अब देखते कोई बोलता है भाई 30,000 में मिल गई ये वाली, ये तो काफ़ी सस्ती मिल गई, चलो कोई बात नहीं हमें 10, 20, 30, 40 और एक स्किल पॉइंट हमारा अनलॉक हो चुका है बहुत बढ़िया। तो अब मैं एक काम करने वाला हूँ, ये वाला स्किल पॉइंट पता हम कहाँ लगाएंगे, ट्यूनिंग प्राइस है एक, एक वॉश स्पीड ज़रूरत नहीं है, रिपेयरिंग प्राइस
यू कैन रिपेयर करवा सकते हैं हम सस्ते में। ऐसे रिपेयरिंग पे हम ज़्यादा देते नहीं है क्योंकि कभी कभार कारना में सही मिल जाती है, तो हम ट्यूनिंग तो हम हर बार ही करवाते हैं, इसलिए मैं ट्यूनिंग प्राइस पहले कम करवाने वाला हूँ। इसको अनलॉक करते हैं। लो मैंने ट्यूनिंग प्राइस का कम करवा दिया और यहाँ पे चार चार कार अपनी आ चुकी है, लेकिन अब इनको लेके जाना पड़ेगा मुझे। एक काम करते हैं, अपनी फियात लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जाके ना इनको, क्योंकि मुझे रिपेयर करवाना है और जब तक मैं अपना शोरूम खाली नहीं करता तब तक भाई मैं कार्स को वहाँ पर रख नहीं पाऊँगा। इसीलिए ना अभी मैं इसको यहीं पे लेकर चलता हूँ। थोड़ी सी बेकार चल रही है, इसको ट्यूनिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। अभी जितनी भी कार्स अपने पास पड़ी थी मैंने उन सबको रिपेयर करा के, उनकी मॉडिफिकेशन वगैरह करवा के उन सबको अपने शोरूम में खड़ा कर दिया है। बस ये लास्ट पोर्श बची है, इसको भी मॉडिफाई करवाना है। अब भाई अपनी BMW देखो एक दिन में कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है साइड में खड़ी हुई। एक मिनट, पहले ये डैमेज है क्या? पहले डैमेज देखना पड़ेगा ना। ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, बस इसमें मुझे बस इसकी ट्यूनिंग वगैरह करवानी है। और अपने पास पैसे देखो एक बार भाई, और बस 1,19,75,680 हो चुके हैं भाई। इतना सारा पैसा अपने पास हो चुका है और 20 मिलियन से हम ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम काफ़ी जल्दी 20 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। इसको अपडेट कर देता हूँ मैं, लाइट्स अपडेट कर देते हैं, उसके बाद कैलिफोर्निया। और देखो आप पैसे देखो कितने कम लग रहे हैं। सस्पेंशन के पहले कितने लगते थे? 150 डॉलर लगते थे, अब सिर्फ 96 लग रहे हैं। और जो किट्स हैं ना वो भी काफ़ी सस्ती पड़ रही है। लाइट के भी 64 लग रहे हैं, पहले लाइट के 80 कुछ लगते थे, और प्लेट पहले हमें 30 की पड़ती थी और अब 15 की पड़ रही है, सीधा हाफ रेट। और जो व्हील है ना देखो 5,000 वाले, अब ये $4,000 में हमें पड़ रहा है भाई। $1,000 का अपना जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट नहीं एक तरह से, हाँ प्रॉफिट ही हो गया अपना, मतलब फ़ायदा ही हो गया अपना सही में, क्योंकि पहले 5,000 हमें देने पड़ते थे, अब 1,000 कम हमें देने पड़ते हैं, मतलब $4,000 देने पड़ते हैं। और ऐसे कर करके ना अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा बच जाएगा, क्योंकि भाई पहले 5,000 जाते थे। हमने कितनी सारी कार सोल्ड कर दी है भाई, पता नहीं कितना सारा पैसा हमारा लग गया होगा। अपनी इस पोर्च को ना एक काम करते हैं, इसको कौन सा कलर करवाएं हम, लाल करवा दें क्या? लाल ही कर देते हैं, ठीक है। पॉलिश थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं यहाँ से, चलो ये भी हो चुका है। और रुको यहीं पे मैं इसके ऊपर वो मार देता हूँ ना, पानी यहीं पे मार देते हैं, वहाँ पे बस जाके हमें इसको सेल पे लगाना है। और आज कार मार्केट वापस से ओपन हो चुकी है, ठीक है, तो हम फटाफट जाके मुझे कार मार्केट से ना देखनी पड़ेगी यार आज कौन सी कार अपने हिस्से में आने वाली है। 2-4 सुपर कार मिल जाए फिर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, फिर तो हम 20 मिलियन काफ़ी जल्दी पहुँच जाएंगे। बट फिर भी यार 20 मिलियन डॉलर करना आसान नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा कठिन है यार। चलो इसको भी मैं यहाँ पे साइड में लगा देता हूँ, मिनट इसको थोड़ा सा और साइड में लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको करते हैं बंद। और देखो अपने पास 2 ऑडी RR है, ठीक है, और एक अपने पास ये चेवलेट है, एक अपने पास पोर्श, 2 पोर्श है अपने पास, और एक BMW। इसको तो मैं बेच दूंगा, वो वाली BMW हम बेचेंगे नहीं, ठीक है, इसको तो मुझे बेचना ही है। तो अभी एक काम करा जाए, यहाँ से फटाफट चलते हैं हम कार मार्केट और यहाँ पे देखते हैं कोई सुपर कार। शेवरलेट मुझे वापस से नज़र आ रही है, एक पोर्श मुझे नज़र आ चुकी है, एक ऑडी RR नज़र आ चुकी है, एक मिनट ये फियात नहीं है, दूसरी है, एक लैम्बो भी नज़र आ चुकी है। क्या बात है भाई, कार तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल गई आज। एक मिनट, यहाँ से हम अपनी ऑडी RR से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितना प्राइस बोलती है इसका। 5,97,000 बार्गेन करते हैं यार, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ 5,00,000 में दे दें, या फिर थोड़ा कम बोले, पहले 4,90,000 बोलते हैं हम भाई। दे दी 4,90,000 में यार। चलो अब इसको मैं टोटक करवा देता हूँ, क्योंकि अब सारा स्पेस तो खाली हो चुका है, आराम से हम टोटक करवा सकते हैं। एक मिनट, अभी ये मैं, अच्छा ये उस दिन वाली लैम्बो मैं ले ही नहीं गया था, ठीक है, मैं अपनी BMW में निकल गया था ना, लैम्बो मैंने यहीं पे छोड़ दी थी। एक मिनट, ये डैमेज है क्या भाई? ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, आधी डैमेज ही है, तो इसको रिपेयर वन पे भेजते हैं। मैं तो खुश हो गया था कि एक और मुझे लैम्बो मिल चुकी है। यहाँ पे एक शेवरलेट खड़ी है, मैं एक काम करता हूँ इसको भी बाय कर लेता हूँ मैं, 95 बोल रहा है ये, तो इसको हम बोलते हैं 70,000। अभी नहीं, 7,00,000 नहीं, नहीं नहीं यार, $7,00,000 दे दिए मैंने 70,000 के बदले, बताओ करवा लिया नुकसान यार। यार बहुत बड़ा नुकसान हो गया ये तो भाई, वो बंदा भी खुश हो गया होगा कि $7,00,000 मिल गए। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब हो गया सो हो गया, लेकिन थोड़ा सा हमें अब फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। चलो जो पोर्श है ये देखते हैं कि कितने में बोलते हैं, 1,60,000। लुक कार नहीं, मैं खरीद ही लगता हूँ इसको, एक काम करते हैं सीधा बार्गन करके ना, 1,00,000 इसको हम बोलते हैं 20,000, ठीक है, 1,20,000, कहीं 12,00,000 ना बोल दूँ मैं इस बार। हाँ नहीं, 1,20,000 में नहीं देगा ये, 1,30,000, 1,30,000 तो ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मैं एक पोर्श मिल चुकी है,
और अब एक काम करा जाए, और कोई कार तो नहीं ना अपने यहाँ पे? नहीं, और कोई भी कार नहीं, फियाट नहीं, फियाट नहीं है। ये दोनों कार सेम सेम है, ये ज़्यादा महंगी मिलती नहीं है, मतलब बिकती नहीं है। तो मैं अपने काम करता, पोर्च में यहाँ से निकलते हैं, बट यहाँ से हम अपना ही चूना लगा के जा रहे हैं भाई, अपना ही नुकसान करवा के जा रहे हैं हम। जितना अपना प्रॉफिट नहीं होगा ना इन कार को बेचने से, उतना अपना नुकसान ही हो गया। और चार चार देखो कार अपने यहाँ पे खरीद रखे, लेकिन चारों नकली है। मैंने ऑक्शन से ख़रीद ली थी ना, ताकि मुझे एक्सपी मिल जाए, लेकिन चारों नकली कार है। इसको मैं काम करता हूँ, इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। इसको पहले मैं लगाता हूँ रिपेयरिंग पे, थोड़ा सा और आगे, ठीक है। इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं, और $400 इसके लग जाएंगे, उसके बाद अपनी लैम्पों में लगेंगे $1000 भाई। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, चलो कोई बात नहीं। और अपनी जो ऑडी आ रहा है ना, ये तो डैमेज नहीं थी, अपनी चेवरलेट भी शायद से डैमेज नहीं थी। ओके, अभी कार तो खरीदते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, और अगर अपने पास अमाउंट देखा जाए तो $1,15,15,830 अपने पास पड़े हैं 2 करोड़ में। यानी कि अपने को चाहिए अभी $85 लाख अभी हमें चाहिए, तब जाके अपने पास 2 करोड़ यानी कि $20 मिलियन हो पाएंगे। और अभी मैं कार मार्केट से आया हूँ, और मुझे एक लैम्बो मिल चुकी है भाई। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है कार्स को इकट्ठा करने में, लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा भाई। कार्स की कलेक्शन तो मैंने कर ली है, लेकिन एक जो कार है ना भाई, जो कुछ ज़्यादा ही मिल गई, इतनी मुझे उम्मीद नहीं रहती कि मिलेगी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा मिल चुकी है, और वो है ऑडी RR। देखो एक तो अभी अपने पास पड़ी है ना, एक मिनट, ये रिपेयर हो चुकी है क्या? हाँ ठीक है, ये रिपेयर हो चुकी है। तो एक तो अपने पास ये पड़ी है, और अपने शोरूम में मैंने काफ़ी सारी खड़ी करके रखी है, अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और इन सभी कार्स को बेचने के बाद पता नहीं अपने पास $2 करोड़ हो पाएंगे या फिर नहीं। देखो अपने पास काफ़ी सारी कार्स पड़ी है, इनमें से एक मिनट रुको, पहले मैं इसको खड़ा कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कि अपने पास कितनी ऑडी RR हो चुकी है। इसको भी मैं यहीं पर खड़ी करता हूँ। इस बार मैंने ऐसे करके खड़ा करा इनको, क्योंकि ज़्यादा कार्स तो खरीदनी नहीं थी इस बार, इसलिए मैंने इनको सीधा सीधा खड़ा कर दिया। देखो 1, 2, 3 और नहीं, यहाँ पे एक ये 4, 1, 5 और एक ये 6 भाई, 6 ऑडी RR अपने पास हो चुकी है, और भी काफ़ी जल्दी मुझे मिली। इतनी जल्दी मिलती नहीं है, लैम्बो मेरे पास ज़्यादा नहीं है। लैम्बो 1, 2 और 1 अभी मिली, 3 लैम्बो 3 ही है। अगर लैम्बो इतनी मिली होती ना, फिर तो यार भाई काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होता, लेकिन ऑडी RR से भी मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। एक काम करता हूँ, ऑफिस को ओपन कर देते हैं, और जो जो कार्स अभी मैंने सेल पे लगा रखी है ना, इन सबको बेच देंगे, सारी बेचेंगे। मतलब जब तक अपने पास $20 मिलियन नहीं हो पाते, तब तक हम कार को बेचेंगे। और एक दो कार अभी मैंने वहाँ पे भी खड़ी कर रखी है, ऑक्शन के उधर जाके खड़ी कर रखी है, और कार मार्केट में भी ना, अभी पता नहीं सुपरा थी या फिर मस्टैंग थी, उन दोनों में से कोई ना कोई एक कार है जो कि वहाँ पे सेल पे लगी है। तो अगर थोड़ी पैसों की कमी होती है, एक मिनट, तो मैं जाके ना उनमें से वो जो कार्स है ना वो ख़रीद लूँगा। एक मिनट यार, इसको ना मैं यहीं पर खड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा वहाँ पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठुक ठाक गई ना, फिर वापस से मुझे इनको रिपेयर करवाना पड़ेगा। इसको यहीं पर खड़ा करते हैं, और जो कस्टमर्स आ रखे हैं ना, फटाफट से इनसे बात करते हैं। ऑडी RR 10 लाख की, लैम्बो का ही प्राइस है, मतलब सेम टू सेम ही है इसका, 6,77,000। 5 लाख की खरीदी है मैंने, नहीं यार इतना कम नहीं, बंदा 7 लाख से ऊपर बोलेगा ना, तब हम उससे बार्गेनिंग वगैरह करके तब हम बेचेंगे उसको। 6 लाख वाला कितना ही ले जाएगा? ये कितना बोल रही है? 6 लाख। चल भाई घर जाओ अपने। चलो यहाँ पे ये देखते हैं, ये पोर्श खरीदने आए, पोर्श वगैरह से इतना प्रॉफिट होगा नहीं। ऑडी RR अगर बिकती रहे ना, फिर तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ठीक प्राइस बोल रहे हैं। इसको पहले मैं बोलूँगा 3,10,000 बोलते हैं सबसे पहले, ठीक है। 3,10,000 नहीं मानेगा तो इसको हम बोलेंगे सीधा 2,80,000, ठीक है। 2,80,000 खरीद ले भाई, नहीं 2,70,000 लास्ट प्राइस, बस भाई इससे हम कम नहीं करने वाले बिल्कुल भी। चलो खरीद ली इसने, और उसके बाद यहाँ पे और आ चुके, पहले ऑडी नहीं, लाफरारी है। लाफरारी 5,52,000 की मैंने लगाई है, और ये कितना दे रही है? 4,50,000 तो दे रही है यार, ये दे रहा है मतलब। तो इसको हम बोलेंगे पहले 5,30,000 बोलता हूँ मैं इसको, ठीक है। मतलब अगर ज़्यादा गैप कर दो ना भाई प्राइस का, तो बहुत ही कम प्राइस में मांगते हैं कार, इसलिए मैं ज़्यादा गैप करूँगा नहीं। 5,30,000 बोला ना, अब हम 5,10,000 बोलेंगे, 3,10,000 नहीं 5,10,000 बोलेंगे, ठीक है। 5,10,000 में मान जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया। देखो 5,10,000 में मान गया, अगर मैं पहले ही 5,00,000 बोलता फिर मानता नहीं, फिर मुझे और कम करना पड़ता। तो अपनी लैम्बो के लिए भी एक ऑडी RR, ये तो लैम्बो है मेरी, दूसरी कार खरीदने, हाँ 7,20,000 इसका प्राइस है, तो ये ठीक प्राइस बोल रही है। पहले मैं इसको बोलूँगा 8.5 लाख, 8.5 लाख मैंने बोला, नहीं मानी, तो अब हम बोलेंगे इसको 8,30,000 खरीद ले। चलो बहुत बढ़िया, 8,30,000 में अपनी ये गड्डी बिक गई। उसके बाद यहाँ पे एक कस्टमर और आ चुका है, ठीक है। कस्टमर तो काफ़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, बस ये ढंग का प्राइस बोले और अपनी कार्स फटाफट खरीद ले। 6,86,000 है, नहीं यार 7 लाख से ऊपर जाओ, उसी को कार हम बेचेंगे। 6 लाख वाले नहीं, ये 7 लाख, ये बहुत बढ़िया है।
तो इसको हम बोलेंगे सबसे पहले 850,000, इसको भी वही करेंगे 850,000 सबसे पहले, अगर नहीं मानेगा तो 830,000, 830,000 इसने भी खरीद ली। बहुत बढ़िया, यहाँ पे और बंदे आ चुके, तो फटाफट से ना अभी अपनी कार को मैं बेचता हूँ, देखते हैं कि इनसे अपने को $20 million मिल पाते हैं या फिर नहीं, या फिर मुझे अभी जाके और कार्स खरीद के लेके आनी पड़ेगी। तो भी अपने पास से 1,78,35,490 डॉलर हो चुके हैं और अभी भी 3 कार बची है, और तीनों में से 2 कार तो अपनी ऑडी RR है और 1 लैम्बो है, तो हमें अभी चाहिए कितने 22 लाख डॉलर चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 22 लाख मिल जाने चाहिए, अगर मुझे 8-8 लाख भी मिलते हैं ना तीनों से तो भी 22 लाख आराम से हो जाएंगे, इतना कम प्राइस नहीं तुझा, इतना कम प्राइस नहीं भाई, 8 लाख में कम से कम 1 कार तो बेचूंगा मैं, तभी मेरे पास अगर 3 को बेचूंगा तो 24 लाख हो जाएंगे, थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं 10-15 हज़ार का, लेकिन इतना कम नहीं यार, 6,69,000 नहीं यार, कम से कम 7 लाख से ऊपर जाओ तभी मैं कार को बेचूंगा, ठीक है 7 लाख से ऊपर जाएंगे ना फिर भी 7,20,30,000 की अगर मैं एक बेच देता हूँ ना फिर भी मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। ये कितना बोल रहा है 6,80,000, यार बहुत कम पैसे बोल रहे हैं यार, ये थोड़ा सा ज़्यादा बोलो यार। और आज क्या ऑक्शन स्टार्ट है यार, कार मार्केट अगर ओपन होती ना फिर तो मैं चल भी जाता, लेकिन ऑक्शन में कौन जाएगा, और काफ़ी लेट भी है ऑक्शन तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। इसको देखते कितना बोलते, 6,83,000 यार, इसको ये काम करता हूँ पहले मैं 8 लाख बोलता हूँ, ठीक है थोड़ा बहुत कर लेंगे यार, ये मुझे लग रहा है कि अब देने नहीं वाले ज़्यादा पैसे, ये 8 लाख नहीं देगा ना ये, तो इसको हम बोलेंगे 7,80,000, ठीक है दूसरा प्राइस इसके लिए 7,80,000 है, अगर खरीद लेता तो बहुत बढ़िया, 7,80,000 भी ठीक है, 14 लाख डॉलर अभी चाहिए मुझे, तो 7 लाख के अगर मैं बेच भी देता हूँ तो मुझे 14 लाख आराम से मिल जाएंगे और अपने पास $20 million हो जाएंगे। भाई सुनने में काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा है कि अपने पास $20 million हो गए, लेकिन इनको इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, इसलिए भाई वीडियो को लाइक करना और जो नया है चैनल पर वो सब्सक्राइब भी करना। 5,79,000 बोल रहा तू घर जा भाई, तेरा बस का नहीं है ये तो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस बोल रहा है यार। इसका देखते हैं 6,21,000, यार इतना कम क्यों बोल रहे हैं ये, 7,50,000 पहला प्राइस, 7,50 अगर नहीं मानेगी तो हम बोलेंगे इसको 7,30, ठीक है और इसके बाद एक प्राइस और आएगा वो होगा 7,10, बस इससे नीचे नहीं जाना भाई, इससे नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना, 7,10,000 खरीदना तो निकल अपने घर भाई, खरीद लिया इसने 7,10,000 में, और अब बारी है इसको अपनी कार बेचने की, और फाइनली अपने पास होने वाले हैं $20 million, 6,72,000 बोल रहा है ये, इसका मतलब ये काफ़ी अच्छा खासा हमें अमाउंट दे के जा सकता है, 8,50,000 पहला प्राइस है, ठीक है मैं 3 प्राइस बोलता हूँ बंदों का, अगर उस तीनों में मान जाते हैं फिर ठीक है, नहीं तो नहीं। अब 8,30,000 नहीं माना ये अभी भी, अब 8 लाख ठीक है, इतने में तो मान जाएगा, 8 लाख तो आराम से दे देगा, दे दे फटाफट भाई, 8 लाख नहीं दे रहा है, अब ये नेगोशिएट भी नहीं करेगा, तू जा भाई तू भी चल जा, कोई और है, एक बंदा और आ चुका है, ठीक है इसको देखते हैं कि कितना प्राइस बोलता है। ये तो और कम बोल रहा है यार, जल्दी आ जाओ ना, एक सेकंड तब तक मैं काम कर रहा हूँ, जो कूड़ा कचरा है ना, एक मिनट मैंने और भी कार खड़ी करके रखी तो है उधर वैसे, उसको मुझे लेके आना पड़ेगा, देखो जैसे कि वहाँ पे एक मैंने सुपरा खड़ी कर रखी है तो सुपरा मुझे लेके आनी पड़ेगी, मैं ये कहाँ फेंकने जा रहा हूँ, यह तो वहाँ फेंकते हैं, एक मिनट इसको वहाँ पर फेंक के आता हूँ, तो पैसा तो मेरे पास हो जाएगा, मैं तो सोच रहा हूँ बस इसी को बेच कर ना हम यहाँ से निकाल लें, उनको थोड़ी सी इसकी साफ़ सफाई कर देते हैं ताकि कस्टमर को थोड़ी कार देखने में बढ़िया लगे, गंदी लग रही है ना मुझे लग रहा है तभी इतना कम प्राइस बोल रहे हैं वो, क्योंकि मैंने कार्स को साफ़ ही नहीं करा बेचने से पहले, अगर मैं करता ना भाई बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता। यहाँ से साफ़ हो चुकी है, बस इधर से रह गई है, लो भाई कार अच्छे से साफ़ हो चुकी है, लेकिन कस्टमर मुझे अभी एक भी नज़र नहीं आ रहा भाई, एक भी बंदा नज़र नहीं आ रहा, यार आ जाओ यार, एक ही कार तो रह गई, एक खरीद लो फटाफट, हो रहा शोरूम खाली कर दिया मैंने, बताओ सिर्फ एक कार बची है अपनी, फटाफट से इनको बेचते हैं। और अगले एपिसोड में हमें बताना कि मतलब मुझे बताना कि अगले एपिसोड में मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए, मैं एक तरह की ना 10 कार खरीदूंगा, तो अब आप सब बताना कि हमें कौन सी कार खरीदनी चाहिए, कमेंट्स में बता देना। और ये देखो ये मैंने अपनी गड्डी खड़ी कर रखी ना यहाँ पे सुपरा, तो इसको लेके चलते हैं यहाँ से, ठीक है इसको लेके चलते हैं, जब तक तो कोई कस्टमर आता नहीं ना मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन वगैरह करवा लेते हैं इसकी, रिपेयरिंग की ज़रूरत है क्या इसको, एक काम करते हैं पहले मैं इसको ना पेंट वगैरह कराता हूँ, पहले उतर के देख लेते हैं कि इसको रिपेयरिंग वगैरह नहीं चाहिए, रिपेयरिंग चाहिए, पीछे का बम्पर टूट रखा भाई, इसको हम पेंट करवा देते हैं, कोई भी पेंट चलेगा, ये वाला ही चलेगा, इसके बाद पॉलिश, ठीक है। और कस्टमर अभी तक आया भाई, अभी तक कस्टमर नहीं आ रहा, क्यों सेल पे लगाया ना मैंने उसको,
हाँ सेल पे लग तो रखी है, वो सेल पे लगा रखा मैंने उसको, लेकिन कस्टमर कोई भी नहीं आ रहा। चलो इसके देखते हैं ट्यूनिंग में, रेसिंग किट, उसके बाद TCS, सस्पेंशन कम कर देते हैं, इसकी बिल्कुल ही कम कर दूंगा मैं, लाइट्स अपग्रेड कर देते हैं, प्लेट डलवा लेते हैं और व्हील 4000। लो ये भी हो चुकी है अच्छे से मॉडिफाई, और अब इसको रिपेयरिंग के मैं वहाँ पे खड़ा कर देता हूँ, और BMW अब लेके चलते हैं, बस मेरी कार बिक जाए ना, मैं इसके बाद BMW लेके जाऊँगा रेसिंग ट्रैक पे, ठीक है, वो चेक करना उसका हमने स्पीड, और पीछे लेके चलते हैं बस यहाँ पे बोलते हैं इसको करते रिपेयर फटाफट, ठीक है। खाली ट्रंक जो है ना वही डैमेज है, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन बंदा क्यों नहीं आ रहा यार। एक काम करता हूँ मैं, अपनी BMW ना यहाँ से निकाल लेते हैं, फ्यूल है ना इसमें कितना अभी, फ्यूल तो ना के बराबर है, एक मिनट फ्यूल मुझे डालना पड़ेगा इसमें, काम करते हैं इसको, मैं अभी यहीं पर खड़ा करता हूँ, ठीक है। इसमें ना पहले मैं फ्यूल डाल देता हूँ, भर गया ना पूरा 100%, हाँ पूरा 100% हो चुका है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ यार, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे, पता नहीं क्या हो गया, ऑफिस वगैरह सब ओपन तो है लेकिन एक बंदा नहीं आ रहा, बस एक ही बंदा चाहिए, मैं बेच ही दूँगा उसको कार, थोड़े सस्ते में बेच देंगे हम, मतलब 7 लाख में ही बेच देंगे, अगर 7 लाख में ही मान गया ना तो मैं उतने में दे दूँगा, लेकिन आना भी चाहिए ना। चलो भाई ये मुझे लग रहा है कि अपना आखिरी कस्टमर होने वाला है, ठीक है, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये ख़रीद लेगा अपनी कार को, जिस हिसाब से देख रहा ना ये कार इधर उधर मटक मटक के, मुझे लग रहा है कि अपनी कार ये ख़रीद लेने वाला है, ख़रीद ले भाई यार, तेरे को मैं 7 लाख में दे दूँगा, कितना प्राइस बोलता है, 657 बोल रहा है, आराम से खरीदेगा साथ में, तो थोड़ा सा महंगा भेज देते हैं अगर साथ में खरीद रहा, तो 7,50,000 बोलते हैं, 7,50,000 में ख़रीद ली, और फाइनली अपने पास $20 million हो चुके हैं, $2 करोड़ हो गए भाई अपने पास। चलो अब एक काम करते हैं, ये सारा पैसा बताना भाई हमें क्या करना चाहिए इनसे, इतने पैसों का कौन कौन सी कार्स खरीदनी चाहिए, ठीक है, अगले एपिसोड में हम वही करेंगे, और तब तक मैं काम करता हूँ भाई, इसमें से पटाखे बज रहे हैं, एक मिनट, और आप प्रूफ तो नहीं कर दी मैंने, ठीक है यार सब कुछ मॉडिफिकेशन तो मैंने इससे करवा ही दी थी। चलो इसको लेके चलते हैं, पहले इसको हमें ट्रक के ऊपर लेके जाना पड़ेगा आराम से, क्योंकि यहाँ पे डैमेज होगा फिर तो हमें रिपेयर करवाना पड़ेगा, बस 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 बस, अब इससे बोलते हैं डेजर्ट चलते हैं इस बार, ठीक है, डेजर्ट बढ़िया है, डेजर्ट बढ़िया लगता है भाई। ओके, हम पहुंच चुके हैं डेजर्ट में, और सबसे पहले अपनी कार को यहाँ से नीचे उतारते हैं, एक और चला के देखते हैं BMW को, लो भाई लगाते हैं इसको स्पीड पे, ये ऑन करता हूँ मैं NOS, ओ क्या बात है भाई, स्पीड तो तगड़ी जा रही है इसकी, मेरे को इसको चला के रखना पड़ेगा, कितनी चलेगी भाई, 200 चली गई, 200 तो जा चुकी है आराम से, मुझे लग रहा है 250 टच कर देगी, 250 तो आराम से ईजिली, 0 to 100 7.6 भाई बढ़िया यार, मुझे लग नहीं था कि इतनी फास्ट चलती है, लेकिन काफ़ी तगड़ी चल रही है ये, ओके 250 चल गई, 250 जा चुकी है यार, लेकिन ट्रैक ख़त्म होने वाला है यार, 300 आराम से टच कर देगी, आराम से 300 से ऊपर ही जाएगी, लेकिन ट्रैक बस मुझे लग रहा है कि ख़त्म है यार, 390 करने दो, 300 करने दो पूरा, 285 पे अटक गई, मैं 285 पे अटक गई, नहीं भाई 300 नहीं जाएगी ये, 285 इसका मैक्सिमम स्पीड है, लेकिन भाई फिर भी 285 काफ़ी ज़्यादा है यार, मुझे लग नहीं था कि इतनी स्पीड जाएगी, मुझे लग रहा था कि कम से कम 200 तक ही जा पाएगी, लेकिन 285 चल गई। चलो इसको वापस से भगा के लेके चलते हैं वहीं पे, NOS में वापस से चालू कर देता हूँ ताकि ये फटाफट से स्पीड पकड़े अपनी, भाई अब इसको लेके चलते हैं, ठीक है, इसका मतलब 285 से ऊपर जाते नहीं है। तो ठीक है गाइस, आज के इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिसने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करा फटाफट से जाके फॉलो कर लो, और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।